जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जन्माष्टमी स्पेशल कान्हा जी की पोशाक सिखाने वाली हूँ, पेस्टिंग वर्क में सिखाऊंगी, ताकि आपको बहुत इजी रहे ये ड्रेस बनाना, क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनको मशीन का वर्क नहीं आता, तो उनके लिए स्पेशली ये मैं ड्रेस लेके आई हूँ। यहाँ मैंने सबसे पहले पेपर बुकरम का यूज़ करना है, एकदम पतली वाली जो पेपर बुकरम आती है हमें ये चाहिए। साथ में हमने एक पेन लिया है और इस तरह से यहाँ मैंने एक प्लेट का नाप लिया है। इस प्लेट के नाप से हमने ये ड्रेस बनानी है। आप जो भी नंबर के बाल गोपाल के लिए बनाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप साइज़ ले सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ 3 नंबर की कान्हा जी के लिए बनानी है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक छोटा सा प्लेट का साइज़ ले लिया है। इस तरह मैंने पेपर बुकरम के ऊपर इस तरह से प्लेट रख ली है कॉर्नर में, तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लूँगी, यहाँ पे पूरा हमने सर्कल मार्क कर लिया है। इसको हमने अब कट कर लेना है सीजर के साथ। इस तरह से अब इसको मैं कट कर लूँगी। ये बहुत ही इजी वे में मैं आपके कान्हा जी के लिए ड्रेस लेके आई हूँ। आप सब भी जन्माष्टमी के लिए ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पूरा राउंड जो है मैंने यहाँ कट कर लेना है। ये देखिए, यहाँ मैंने पूरा राउंड कट कर लिया है। राउंड कट करने के बाद हमने क्या करना है, इस तरह से इसको टर्न कर लेना है और इसके बाद इसको एक और फोल्ड करेंगे। हमने इसके सेंटर में भी एक राउंड कट करना है जहाँ पर हमने चोली अटैच करनी होती है। इस तरह से बाहर की तरफ मैं इसको रखूँगी। हमने यहाँ कॉइन लिया है, आप कोई सा भी कॉइन ले सकते हैं। इस तरह कॉइन लेके इसको हमने यहाँ पर छोटा सा राउंड लगा देना है। ये छोटा सा हमने जो राउंड लगाया है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक और फोल्ड करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। अंदर की तरफ हल्का हल्का कट कीजिएगा। इस तरह से हमारा राउंड बन चुका है। अब ये जो शाइनिंग वाली साइड है, ये जो है इस पर ग्लू लगी हुई है, और जो पीछे की साइड है एकदम प्लेन है, और शाइनिंग वाली साइड पे हमने कपड़ा पेस्ट करना है। यहाँ मैं इस तरह का लाइट स्काई ब्लू कलर का कपड़ा ले रही हूँ। कपड़ा आप कोई भी कलर का ले सकते हैं, क्योंकि इस ड्रेस के ऊपर जो कपड़ा है ये दिखाई नहीं देता है, सिर्फ चोली ही दिखाई देगी ऊपर। इस तरह से हम कपड़े के ऊपर इसको उल्टा रखेंगे, जो नीचे पेस्टिंग वाला पार्ट है उसको हम इस तरह से रखेंगे और ऊपर की तरफ हम प्रेस करेंगे, और प्रेस करने से जो पेपर बुकरम है कपड़े के ऊपर पेस्ट हो जाएगी। और इसके बाद इसको भी हम वापस से कट कर लेंगे और सेंटर में से फिर से राउंड कट कर लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अगर आपके पास प्रेस नहीं है तो आप इसको राउंड में सिलाई लगा कर भी लगा सकते हैं, पेपर बुकरम है, बहुत ईजिली लग जाएगी। अब इसको हमने कपड़े को जो है कट कर देना है एकदम साथ साथ में, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है कुछ भी हमने। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको राउंड को कट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको वापस से हमने फोल्ड करना है इस तरह से, और यहाँ से हमने इस कॉर्नर में से एक कट लगा देना है। ये ओपनिंग पॉइंट का कट है। ऐसे कट लगाने के बाद ये जो नीचे का हिस्सा था, ये एक्स्ट्रा वाला जहाँ हमने चोली अटैच करनी है, इसको हम फिर से कट कर देंगे। ये ड्रेस मैं बिगिनर्स लेवल के लिए सिखा रही हूँ। आई होप अगर आपको ये ड्रेस बनानी नहीं आती है कान्हा जी की, तो आप भी बहुत इजीली बना पाएंगे इस वे से। इस तरह से हमने राउंड कट कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए लेस, तो हमने यहाँ ब्लू कलर की लेस ली है, आप कोई सी भी लेस ले सकते हैं, और इस लेस को हमने कॉर्नर से पेस्ट करना स्टार्ट करना है। इस तरह से इस कॉर्नर पे रखते हुए इसको हल्का सा टर्न कर लीजिएगा, और हल्की हल्की चुन्नट डालते हुए इसको हमने पेस्ट करना है, क्योंकि ये जो है चुन्नट स्ट्रेचेबल नहीं है, तो इसलिए चुन्नट डालते हुए ये राउंड में आएगी। और इसके लिए हम इस तरह की ग्लू गन का यूज़ कर रहे हैं इसको पेस्ट करने के लिए। इस तरह से यहाँ पर हमने हल्की हल्की ग्लू लगाते जाना है टर्न करते हुए, और इसको यहाँ पर हमने इस तरह से पेस्ट करते जाना है। फिर से हम यहाँ पर हल्की सी चुन्नट डालेंगे। और इसके बाद फिर से हम एक चुन्नट डालेंगे। इस तरह से जो पूरा राउंड है हमने कंप्लीट कर देना है एंड तक। अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं। लास्ट में जाकर हमने इससे हल्का सा ज़्यादा कट करना है इस तरह से, और इसको हमने बाकी की लेस को हम साइड कर देंगे, और इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है, हल्का सा फोल्ड करते हुए, और यहाँ पर ग्लू लगाएंगे।
और इसको पेस्ट कर देंगे ताकि ये जो लैस के हैं इसके भी धागे ना निकले। इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर दिया है। और अब इसके हमने ओपनिंग पॉइंट पे गोटा लगाना है। अब इसके ओपनिंग पॉइंट पे इस तरह से हमने ये ट्रांसपेरेंट जैसा सिल्वर गोटा लिया है, इसको हम यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे एक साइड पे और दूसरी साइड पे भी। ये देखिए हमारे ड्रेस का जो बेस है ये रेडी हो चुका है। अब इसके लिए हमने इसके बाद इस तरह से लाइट स्काई ब्लू कलर में फ्लावर लिए हैं। ये इस तरह से बंच आता है फ्लावर्स का, तो आप जिस अकॉर्डिंग ड्रेस बना रहे हैं उतने आपको ये फ्लावर्स लेने पड़ेंगे। और नीचे से इसकी हमने ये जो वायर है ये निकाल देनी है क्योंकि हमने इसका यूज़ नहीं करना है, तो आप ये रख सकते हैं बाद में यूज़ हो जाती है। तो इस तरह से हमने फ्लावर्स ले लेने हैं। काफ़ी सारे फ्लावर चाहिए होंगे क्योंकि हमने यहाँ सारे के सारे राउंड जो इस फ्लावर के साथ कंप्लीट करने हैं। ड्रेस के साथ की चोली के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी क्योंकि चोली हमने बहुत सारी वीडियोस में सिखाई हुई है हर बाल गोपाल के साइज़ की। तो अब इसका हम वर्क स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पर कॉर्नर पर इस तरह से ग्लू लगानी है। दोनों साइड से लगाना स्टार्ट कीजिएगा ताकि फ्लावर्स का गैप एक जैसा ही आए। इस तरह से हमने ये जो सारे राउंड है फ्लावर्स के इसी तरह से लगाने हैं, मतलब जैसे हमने इसमें जितनी भी रोज आएंगी सारे की सारी इस फ्लावर्स के साथ ही कवर होने वाली हैं। इसी तरह आप पूरी इस राउंड को, मतलब इस पूरी स्पेस को इन फ्लावर्स के साथ कवर कर लीजिए। और चोली के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमने ड्रेस का जो पूरा पार्ट है फ्लावर्स के साथ कंप्लीट कर लिया है। हमारी ड्रेस के ऊपर तीन रोज आई हैं। आई होप आप सबको ये ड्रेस अच्छी लगी होगी। चोली मैं इस ड्रेस में नहीं सिखा रही हूँ, चोली के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से सीख सकते हैं। और जन्माष्टमी के लिए आप भी अपने कान्हा जी के लिए ऐसी ड्रेस जरूर तैयार कीजिएगा। इस तरह के फ्लावर आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर बहुत ईजीली मिल जाएंगे, हर कलर में अवेलेबल हैं। तो आपको ये ड्रेस अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।